राजस्थान के फेमस कॉमेडियन से आपको मिलाते हैं, पप्पू जिसे बोलते हैं, पप्पिया नाम है उसका। आज बाड़मेर के अंदर कार्यक्रम करने के लिए आए हैं, उनसे खास बातचीत करके राजस्थान तक के दर्शकों। सर सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ परिचय दें, आप कहाँ से हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। आपको बड़े फेमस है, लाखों आपके व्यूअर्स है। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को वैसे बताना नहीं चाहिए, मतलब बता ही नहीं सके क्योंकि सब जने मेरे को जानते हैं। हैंगो पहली बात तो आ क्योंकि, और दूसरी बात अगर जगह नहीं जाने वियान वास्ते बता दूँ, मैं जोधपुर हूँ और आज फर्स्ट बार बाड़मेर धनिया धरा माते आया हूँ। तो बहुत खुशी है इन चीजरी के मैं बाड़मेर मायने फर्स्ट बार आया हूँ और बहुत ही बड़ो शो है। और इन चीजरी भी खुशी है कि रस्तार मायने आवती जावती टाइम या होटल मायने फैन फॉलोइंग ने देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, आप ऐसे पहले कहीं कार्यक्रम किए हैं या पहली बार अभी स्टार्ट किया है? नहीं सर, मैंने बहुत से कार्यक्रम कर रखे हैं, राजस्थान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ राजस्थान भी कार्यक्रम किए हैं मैंने। हैदराबाद, बेंगलोर, पूना वगैरह खूब कार्यक्रम किए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे कार्यक्रम। तो आप लोगों का सफर कब से शुरू हुआ, आपके दिमाग में ये आइडिया कब से आया, कैसे स्टार्ट हुआ और अब तक की जर्नी कैसी रही, कुछ खास पल बताइए हमारे दर्शकों को। सर ऐसा है, मैंने रियल स्ट्रगल किया है इस लाइन में, मैंने रियल स्ट्रगल किया है, मतलब हकीकत में मेहनत कर लिया करें, नहीं जबकि मैंने मेहनत करी है। और सेकेंड बात यह है कि मेरे को 2 साल हो गए कॉमेडी करते हुए और लोगों का ये कहना है कि पपियो 200 साल तक कॉमेडी करेला, वैसे मारी एज 100 साल ही जाए मन लागे, और वो भी लोग आशीर्वाद मन लागे मारी एज 100 साल ही जाए, लेकिन जब तक है जान हंसाएंगे राजस्थान, वो वाली बात है सर। अच्छा एक चीज़ बताइए सर कि आप कॉमेडी करते इस तरीके के भी आरोप लगते हैं कि आप थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं बोलते हैं इस तरीके की, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? आप अपनी पॉपुलरिटी के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ करते, इस बात में कितनी सच्चाई है, लोग ये दर्शक जानना चाहते हैं। सर ऐसी बात है, कुछ लोग मेरे को सब जने प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मन में भी ये है कि मैं, मतलब मेरे से बात कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही है मेरे मन, आपके मन में गलत नहीं है मेरे लिए, जो भाई लोग देख रहे हैं उनके लिए भी गलत नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पपियो थोड़ी सी कटे ना कटे जान, मैं अगर ये चीज़ बोलूँगा कि हम सब जने सफाई रखनी चाहिए, चलो अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, मैं अगर ये बोलूँगा कि नहीं सर अच्छी जगह होनी चाहिए या ये इस चीज़ की गंदगी नहीं होनी चाहिए, वह तो साहब बतावे जाए मारो तो काम हंसावने रहे। अगर मैं गलत चीज़, हालांकि यह चीज़ें गलत नहीं, घना जना देखे कि तू छोर यार साथ की कर मजाक करे, लेकिन जो जनरेशन है जिसके हिसाब से पपिया हंसा रहा, मैं खुद कमा रहा हूँ भैया, हाथ को नहीं आई। चीज बताइए कि आइडिया कहाँ से आते हैं और दिन में कितना शूट रहता है, क्या मतलब पूरा शेड्यूल क्या रहता है और कैसे लाइफ आपकी चेंज हो गई है इन 2 सालों में? आप जाते हैं, लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, हाथ लगाने, कितना मतलब इन सब चीज़ों को कितना चेंज हो गया? बहुत चेंज हो गया सर, 2 साल के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है और मैं आम लोगों की तरह नहीं रह पाता हूँ, ये सब भाई लोगों का आशीर्वाद है। और दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि शूटिंग का टाइम, सर ऐसा है कि मैं मन मर्जी मालिक हूँ और जब कैमरा लागे विंटर मैं कॉमेडी माइंड आ जाएगा ना। और दूसरा आप कहते हो ये कॉमेडी के भाव कहाँ से आते हैं, तो ये कॉमेडी के भाव यहाँ से आते हैं कि जैसे आपका चेहरा देख के मेरे को मतलब इतनी चीज की खुशी है कि भाई साहब ठाई होनी पड़े, सुबह चेहरों कर तक दोनों है कि ऊपरला बाल गई, चलो कोई बात नहीं, बात तो चीज है, बाकी कॉमेडी मेरे को एक दूसरे आदमी को देख के ही आ जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, आप हमारे दर्शकों के लिए और बाड़मेर के दर्शकों के लिए, राजस्थान तक के दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ कॉमेडी की, ताकि हमारे दर्शकों को भी लगे। 2 लाइन ये है कि जब मेरे को बाड़मेर इन्वाइट किया था तो मेरे मन में से एक ही आवाज निकली थी, ना तेरी ना मेरी, मैं छोरा बाड़मेरी और हाथ एक छोरी भी लेने आया हूँ। तो बाड़मेरी जनता ने आज नाइट रहा बहुत ज्यादा साउंड वाला हूँ। और कौन कौन है आपकी टीम में, कितने सदस्य है टोटली? सर हमारी टीम में तो सदस्य तो बहुत हैं, और लेकिन अभी हमारी टीम में मैं और प्रिया जी गुप्ता हैं जो हमारे साथ सोना बाबू का रोल करते हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं। मतलब ये थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, खास तौर से स्पेशली 2 सालों में इनकी लाइफ चेंज हो गई है, जहाँ जाते हैं इनकी फैन फॉलोइंग है, इनका काम सिर्फ हंसाना है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।